हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल मलारसोल। राइट नाउ आई एम एट ओल्ड किला, पुराना किला, यही है। ठीक है, यह है मेन दरवाज़ा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या क्या देखा बताया, यह है बगल में 10 रुपये म्यूजियम और बगल में हुमायूं का दरवाज़ा है। यहाँ पे फॉरबिडन गेट है, हमाम, बौली और एक कोहनी मस्जिद है। ठीक है यार, मैं 30 रुपये खर्च करके यहाँ के धूप में इतना आपको दिखा रहा हूँ यार, आप फिर भी स्किप कर रहे हो, स्किप मत कीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में यार देखने को क्या फ़ायदा हो रहा है यार, क्या नुकसान हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देख लो यार। ठीक है, इट्स नॉट बेगिंग, जस्ट इट इज़ योर विश, बिकॉज आपको भी अपना फैमिली के साथ यहाँ आना है, तभी देख लीजिए, क्योंकि सच में बहुत बढ़िया कंटेंट और इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है इस वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, डोंट स्किप। मतलब पुराने किला पार्किंग वो इधर है। ठीक है, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क के लिए गेट है और ये है पुराना किला के लिए गेट। हम अभी पहुँचेंगे यहाँ पे, टिकट लेने का वहीं पे है, वहीं पे लेके टिकट लेके अंदर घुसते हैं। यहाँ पे मोनूमेंट के लिए 20 रुपये है और म्यूजियम के लिए 10 रुपये है और लेक के लिए 20 रुपये है, बट वहाँ पे बोटिंग नहीं होता, और फॉरेनर के लिए 300 रुपये। भाई वो है टिकट काउंटर, टिकट काउंटर के बाद आपको बैग अलाउ नहीं होता, सेल्फी स्टिक सब कुछ अलाउ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जमा करना पड़ता है, ईच बैग 5 रुपये। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, टिकट ले रखे हैं। यहाँ सिक्योरिटी वेरी टाइट है, आई मीन टाइट मतलब वो नहीं है, वो टाइट नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट चेक होता है, एक एक पैंट आपका जो अंदर का टी शर्ट खोल खोल के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये है बड़ा दरवाज़ा, ये है पुराने किला का बड़ा दरवाज़ा। ठीक है, जैसे हमारा घर पे छोटा दरवाज़ा होता है, यहाँ में यहाँ पे बहुत बड़ा दरवाज़ा है, आप देख सकते हो दरवाज़ा का एक व्यू। दरवाज़ा में लाइटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, बड़ा एक डोर देख सकते हो आप, डोर। ठीक है, अंदर का व्यू भी बढ़िया है, पूरा मिट्टी से। यहाँ पे आने के लिए ट्रांसपोर्ट का पक्का चाहिए चाहिए, पैदल भी, पैदल तो बिल्कुल नहीं आ सकते हो। ठीक है, मेरा भाई आज आया है मेट्रो से। ठीक है, मैं तो बाइक से आया हूँ, इसलिए भाई बताएगा यहाँ रेट आने का। तो यहाँ से करीबी जो मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो आप कहीं भी हो तो आपको आना सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन और वहाँ से ऑटो पकड़ कर आना पुराने किला, जो कि उसकी ट्रांसपोर्ट है 30 रुपये। 30 रुपये में आपको ऑटो, कोई भी ऑटो पुराने किला छोड़ देगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, बस भी ले सकते हो, बस तो भाई देखो अपना घर से जो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। ये है भाई मैं हूँ। ठीक है, हम ले चलेंगे अभी आपको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। ये है म्यूजियम, इसका जो टाइमिंग है 9 से 5। ठीक है, एवरी फ्राइडे एंड नेशनल हॉलीडेज में ये बंद रहता है, 5 रुपीज पर पर्सन। म्यूजियम में ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, इससे बढ़िया आप नेशनल म्यूजियम जा सकते हो, साइंस म्यूजियम जा सकते हो, इससे भी बहुत बढ़िया व्यू मिलेगा। बट यहाँ पे आएंगे तो 5-10 रुपये वेस्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा तो दिखने को मिलेगा, 10 रुपये म्यूजियम का। और हमने बहुत एंजॉय किया, कि सच बताए जावेद भाई एडा बहुत मतलब मज़े ले रहा है यहाँ का आज का। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन नहीं कराया था, ये भाई है हमारा नया फ्रेंड। ठीक है, दिल्ली ब्लॉगर, फेमस ब्लॉगर। ठीक है, इनका चैनल का नाम है क्या भाई? MJ313। ठीक है, व्लॉग, ब्लॉग तो सब्सक्राइब कर देना। अच्छा अच्छा, और देखो यहाँ सच बता रहा हूँ मैं, इस लोग इतना यहाँ परेशान है, इसलिए यहाँ पे लोग जाने नहीं दे रहे अंदर ना, इसलिए नहीं आ रहा ना। नहीं मैं यार, इतना चेकिंग हो रहा है, इधर होगा तो कौन आएगा यहाँ पे, कोई नहीं आता। दो चार चीजें रखी हुई है, उनका भी आप फोटो नहीं ले सकते, यानी कि अपनी आंखों से ऐसे देखो और चुप आ जाओ। ठीक है, कोई यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखो, ये 50 रुपये में, 50 रुपये में आपको चांट चींट, ये खुला हुआ चेयर। चल कोई नहीं, और भी एक दो अच्छा मोनूमेंट्स है दिखाएंगे, हुमायूं जहाँ पे गिर गया था, जहाँ पे उसका डेथ हुआ था, वो भी वो एक अच्छा प्लेस है, वो दिखाएंगे। भाई हमने पहुँच गए हैं जहाँ पे जैसे लग रहा है लॉन्ड्री जैसा फील लग रहा है मुझे, देखो कपड़ा भी इन्होंने ये कर रखा है, क्योंकि वो ऑफिस था जो दिखाया था ना, वो ऑफिस था। और देखो भाई कितना अच्छा था, कैसे हो गया हालत इसकी, मुझे लग रहा है यहाँ से पूरा दिल्ली दिखता होगा। ठीक है, दिखाते हैं आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देख लो, मुझे तो बर्ड्स दिख रहा है, ऐसा लग रहा है घोड़ा वन। यहाँ पे हुमायूं दरवाज़ा करके एक स्पेशल है। ठीक है, हुमायूं दरवाज़ा क्यों है कुछ आइडिया? मैं बताऊंगा, जो दरवाज़ा हुमायूं ने बनाया है इसलिए इसको हुमायूं दरवाज़ा बोलते हैं, और कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, इनकेस मैं बनाता तो ये मेरा दरवाज़ा बन जाता था,
ठीक है, उस टाइम उसने पैदा हो गया और बना लिया, ठीक है, बन गया हुमायूं दरवाज़ा। अभी हुमायूं दरवाज़े का हालत बहुत ख़राब हो गया, एक बार हुमायूं दरवाज़ा देख के आते हैं, ठीक है। देखो भाई, उस टाइम का दरवाज़ा कैसे रहता था, ठीक है। ये सीढ़ी है ना, रिनोवेशन हो चुका है, इसलिए उन्होंने बोल रहा है सीढ़ी को ऊपर पैर नहीं रखना है, क्योंकि गिरने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इन लोग ऐसे कोका कोला पी के यहाँ पे घूम पेक के जा रहे हैं। देखो भाई, ये है दरवाज़ा, पत्थर दरवाज़ा। मुझे ये एक स्पेशल दिखाता हूँ, ये है नीरू पूरू, वो सोच रखे हैं कि ये मेरा ही दरवाज़ा है, इसलिए अपना नाम लिख दिया इन्होंने। देखो, हमारा ब्लॉगर पूरा टाइट चल रहा है यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए। भाई, आप लोगों ने देख लिया हुमायूं दरवाज़े पीछे, ठीक है। ये जो एरिया कौन बनाया, कुछ आइडिया? मैं बोल दूँगा, इसको जो बनाया था हुमायूं, ही इज़ द सेकेंड एम्पायर ऑफ मुगल सुल्तानीज, ओके। पहला कौन आता है? बाबर, क्योंकि वो 1526 टू 1533 तक कुछ रोल किया था। उसके बाद आएगा हुमायूं, ठीक है। हुमायूं को कुछ बन ये एग्जाइल में जाता है 5-6 साल के बाद, फिर उसके बाद वो शेरशाह सूरी, वो भी रोल करता है, ठीक है। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं का, दोनों का एक इसमें एक बहुत रोल है ये पूरे एरिया में, इसलिए ये हुमायूं दरवाज़ा बन गया। और पार्शली इसको शेरशाह दरवाज़ा भी बोल सकते हो, बट नॉर्मली हुमायूं दरवाज़ा बोलते हैं। वो गार्डनिंग है ना, बहुत बढ़िया बना रखे हैं। बट मुझे आज एक सीखने को मिला यहाँ पे, भाई देखो, और 5-6 साल के बाद आएंगे ना, ये उन्होंने बना रखे थे, जो बोल रहे हो मैं बोल रहा हूँ हुमायूं बाबर जो भी है, बट आप थोड़ी देर के बाद, मतलब 5-6 साल के बाद आएंगे ना, आपको मिलेगा ये, अपना इंडियन कोई मेस्त्री बना के रख देगा, आप लोग उसको देखने आओगे, ठीक है। इसलिए आप लोग जल्दी जितना हो गया उतना जल्दी आके इसको एक्सप्लोर कर लीजिए, मज़ा आएगा। नहीं है तो जो अपना इंडियन मिस्त्री बनाएगा ना, वो भी अच्छा ही रहता है, बट वो वाला जो आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो बाबर और हुमायूं बना रखे थे वो। मुझे बस देखो, आजकल पानी पीने के लिए आप लोगों के पास टैप्स है, तुरंत ऑन कर दो, पानी पी लोगे। बट उस टाइम जो पानी पीने के लोग क्या करते थे पता है? वो यहाँ पे आते थे, 89 स्टेप्स नीचे जाके 22 मीटर डेप्थ में इनका एक कुआं बनता था, इसमें से बकेट लेके जाते थे, बकेट से पानी लेके आते थे पीने के लिए, कुछ हर चीज़ काम करने के लिए। वो दिखा देता हूँ, अब एक बार देख लीजिए, इतना सूरज इतना दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा, पूरा आँख बंद कर रखा है। चलो कोई नहीं, मैं अभी अपोजिट टर्न जाऊँगा, उसके बाद दिखाऊँगा। तो ताला बंद लगा रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पानी पीने के लिए है ना टैप में, इसलिए देखो ये है 89 स्टेप्स, बोला था मैं 22 मीटर डेप्थ, पानी पियो। ठीक है, आजकल बारिश भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं ना भाई। मैं पहुंच गया शेर मंडल। शेर मंडल पता है क्या करता है? ये अपना ये जो इसका जो ओनर है, इसी को मार डाल देता है, ठीक है। ये है शेर मंडल लिहाजा लाइब्रेरी, यहाँ पे हुमायूं पता नहीं क्या आईएएस बनता बनने का था, क्या था उसका, वो यहाँ पे पढ़ाई करता था, ठीक है। मेरा जैसा बहुत, मैं पढ़ाई करता ना, ऐसे में पढ़ाई करता था, क्या कर रहा था वहाँ पे ऊपर सेकंड स्टोरी में घूम रहा था, पता नहीं किसको देख रहा था या क्या कर रहा था, यहाँ पे कौन कौन खड़े होंगे उनको देखने के चक्कर से नीचे गिर गया था। नीचे गिर के 1556 में उसका मौत होता है भाई, ठीक है। सच में बहुत सैड फीलिंग है। और उसके बाद उसका बेटा आएगा, बट इसको जो बनाया था 1543 में शेरशाह सूरी, ठीक है, उसके लिए मेरा 100 नमस्ते, ठीक है, 100 जो भी जितना चाहिए ले लेना भाई, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है हुन्नी मोइन जॉइन, ठीक है, इन लोगों ने सोच रखा है, इन्होंने बना रखे है, ठीक है ना। हमारा जो लोग है ना, गंद करने के लिए हमेशा नंबर वन में रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई में नंबर नहीं रहते, हमेशा गंद चीज़ करने के लिए, ठीक है, देख सकते हो आप। अभी हम जा रहे हैं हमाम सोप, सुने होंगे ना आप लोग एडवर्टाइजमेंट में, वो हमाम नहीं है, ये हमाम अलग ही होता है, बताएंगे क्या है हमाम। भाई ये देख सकते हो, ये हमाम, ठीक है, हमाम मीन्स बाथ हाउस। क्या होता था यहाँ पे, पाइप्स वगैरह लगे थे पहले, बट वो पाइप्स वगैरह हटा दिया अभी, ठीक है। पहले इसको यूज़ करते थे जो बाथिंग के लिए, ठीक है, जब इंद्रप्रस्थ करके इसका नाम था, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। ये महाभारत में आप सुने होंगे, इंद्रप्रस्थ का जो गांव है
वो यही है। ठीक है ठीक है, इसको पांडव का नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ महाभारत एंड 1913 एंड 1914 में जैसे ये खराब हो जाता है उसके बाद इट इज़ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आजकल जितने भी मोनूमेंट्स है दिल्ली का सारे ESI का अंडर है। ठीक है, ये भी हमाम भी उनका अंडर है, नॉट ओनली हमाम दिस ऑल एरिया। भाई देखो, जहाँ पे मुगल एम्पायर या पीछे जो जितने भी थे उनका जो मोनूमेंट जहाँ रहता है वहाँ पे उनके लिए एक मस्जिद पक्का रहेगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक मस्जिद है, उसका नाम है कोहानी मस्जिद। ठीक है, कोहानी मस्जिद का जो सामने का व्यू, ठीक है, कितना बढ़िया है। इसका जो प्रेयर हॉल है 51 मीटर, अंदर जाके प्रेयर कर सकते हो। और यहाँ पे वाटर रिजर्वियर है या डस्टबिन है मुझे नहीं पता, बट अभी फ़िलहाल ये तो इसमें पानी का सिर स्टोर करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि कोई डस्टबिन में जैसे कचड़ा वगैरह नहीं डाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा एरिया है, इसको कपल एरिया भी बोल सकते हो आप। अंदर भी कुछ जैसे टनल जैसा है, बट ट्रेन आता नहीं आता मुझे नहीं पता, ट्रेन से ज़्यादा यहाँ पे कपल ज़्यादा आते हैं। देखो भाई, नीचे अंडरग्राउंड, ऊपर मस्जिद, वाह बढ़िया। रात में जो लाइटिंग अरेंजमेंट है इसको पूरा सजाएगा। ठीक है, पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, अंदर का जो आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है। ठीक है, पुराने वाले को सबका चेहरा आता है। यहाँ से जाके हमने ये तक यहाँ तक वापस आ गए अभी। ठीक है, हम जो खड़े हैं ना, यही है फ्लैग वाला जो सर्कल है, हम यहाँ खड़े हैं अब। बस यहाँ पे ये ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर वापस आके फिर बाहर। ठीक है, चलेंगे इस तरफ। यह है ड्रिंकिंग वाटर काउंटर, यह है पब्लिक कन्वीनियंस, यह है बेबी केयर रूम। ये दोनों यूज़ होता है, बट बेबी केयर रूम यूज़ नहीं होता क्योंकि कोई बेबी नहीं आता यहाँ पे। चलो ठीक है, हम चलेंगे अभी। बताया था ना मैं, तलाकी दरवाज़ा, यह है नॉर्दर्न गेट ऑफ पुराना किला। ठीक है, इसका हाइट कितना होगा, मैं 6 फीट का हूँ। ठीक है, ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मेरे से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, अराउंड 17 मीटर टाल है इसकी। बट भाई इसका पता है, इसका अभी तक ये भी नहीं पता इसको कौन बनाया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बिडन गेट। ठीक है, कौन सा गेट, बिडन गेट, इधर फॉरबिडन गेट। ठीक है, इसका व्यू और एक सिनेमेटिक वीडियो मैं दिखाऊंगा, और देख लीजिए। गणेश चतुर्थी भी आ गया, गणेश भी आ गया, बट क्या करता है गणेश ने 5 दिन के बाद फिर हमको छोड़ के चले जाता है, फिर अगला साल आएगा। ऐसे ही हमने आ गए यहाँ पे, फिर यार आ गए थोड़ी नहीं, यहाँ परमिट रहेंगे, परमिट आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, ख़त्म करने का टाइम आ गया यार। तो भी ख़त्म होने वाला है, उसके लिए मैं टाटा बाय बाय, देख सकते हो लास्ट सीन, बाय बाय।